तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूकेटी मूवीज वर्ल्ड। मैं हूं आपका नेटर उस्मान टेनिसन। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले टॉप 5 साईफाई मूवीज को, जो कि आपको बहुत ज्यादा ही पसंद आएगी। ये पांचों मूवी काफी दमदार और एक्शन से भरपूर है, जो कि आपको बहुत ज्यादा ही एंटरटेन करेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बिना किसी एक्शन के। सो गाइस, हमारी लिस्ट की पहली मूवी का नाम है ब्लेड रनर 2049। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8 out of 10 और ये मूवी आपको हिंदी में देखने मिल जाएगी। ये एक एक्शन साईफाई मूवी है। इस मूवी का रन टाइम है 4 घंटे 41 मिनट का और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स में देखने मिल जाएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 3 अक्टूबर 2017 को और इस मूवी को डायरेक्ट किया था डेनिस ने। और ये ब्लेड रनर सीरीज का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट को देखने के लिए आपको पहला पार्ट भी देखना होगा। और इस मूवी ने कमाए थे 260.5 मिलियन और इस मूवी का बजट था 180 मिलियन। इस मूवी में हमें लीड रोल में दिखे थे रायन गोस्लिन, हैरिसन फोर्ड, एना दी आमरिस और जेरेड लीटो। चारों की एक्टिंग लाजवाब थी इस मूवी में और ये काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सो गाइस, हमारी इस लिस्ट की सेकेंड मूवी का नाम है द टुमारो वॉर। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन साईफाई मूवी है, जो कि आपको अमेजोन प्राइम में देखने मिल जाएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 out of 10 और ये काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। और इस मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 20 मिनट का और इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस मैकी ने। ये मूवी 2 जुलाई 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें देखने मिले क्रिस प्रैट, जेके सिमंस, बेटी गिलपिन। तीनों की एक्टिंग इस मूवी में ज़बरदस्त है। ये एक अच्छी मूवी है और काफ़ी इंटरटेनिंग है, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते तो ये मूवी आपको अमेजोन में देखने मिल जाएगी। सो बढ़ते हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिस मूवी का नाम है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटे 41 मिनट का। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10 और इस मूवी को रोटेन टोमेटोज पर मिले 88%। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर आजन ने और ये मूवी फ्रेंच लैंग्वेज में अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल के साथ फ्रेंच लैंग्वेज में अवेलेबल है ये मूवी। ये एक वन टाइम वॉच मूवी है, आप एक दफ़ा इस मूवी को ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी अच्छी मूवी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सो गाइस, बढ़ते हैं फोर्थ पोजीशन पर। हमारी फोर्थ मूवी है स्ट्रो अवे। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक साईफाई ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है एक यूट्यूबर ने, जिसका नाम है जॉय पेना। इस मूवी का बजट है $10 million और इस मूवी का स्क्रीन जॉय पेना ने लिखा है। काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है यूट्यूबर की तरफ से। अगर आप यूट्यूबर का काम देखना चाहते हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स में देखने मिल जाएगी, इसी साल रिलीज़ हुई है, काफ़ी दमदार मूवी है। जो फिफ्थ पोजीशन पर हमारी मूवी है, उस मूवी का नाम है आउटसाइड द वायर। इस मूवी में हमें दिखे हैं एंथनी मैकी और उनके साथ साथ हमें दिखे हैं डैमसन इद्रिस। दोनों की एक्टिंग ज़बरदस्त और ये एक्शन साईफाई मूवी है, जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 out of 10 और ये एक मच अवेटेड मूवी है, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स में देखने मिल जाएगी। तो मेरा काम तो होता है ख़त्म, आपका काम होता है शुरू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।